नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। क्या देश के नए शिक्षा मंत्री की डिग्री फर्जी है? देश में दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एक बार फिर से देश के शिक्षा मंत्री की डिग्री पर विवाद खड़ा हो गया है। देश के नए मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर निशंक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। निशंक ने अपने चुनावी शपथ पत्र में खुद को पीएचडी और डीलिट बताया है। देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी जनसत्ता के अनुसार निशंक ने बताया है कि उन्हें डीलिट की यह मानद डिग्री श्रीलंका के ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने दी है। शिक्षा मंत्री निशंक के अनुसार सबसे पहले उन्हें यह डिग्री 1990 में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया गया, तो दूसरी बार उसी श्रीलंका ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दोबारा डीलिट की डिग्री डॉक्टर निशंक को दे दी। लेकिन घनघोर आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस यूनिवर्सिटी से माननीय शिक्षा मंत्री डिग्री लेने की बात कर रहे हैं वो असल में कहीं है ही नहीं। इंडिया टुडे ने श्रीलंका के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बात करने के बाद यह खुलासा किया है कि श्रीलंका में ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से कोई विश्वविद्यालय रजिस्टर्ड है ही नहीं, ना तो घरेलू यूनिवर्सिटी के तौर पर और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर। वहीं बात करें शिक्षा मंत्री महोदय की, तो उनके जन्मदिन को लेकर भी एक नया विवाद सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री महोदय के बायोडाटा पर खुद का जन्मदिन बताया गया है 15 अगस्त 1959, जबकि उनके पासपोर्ट पर दर्ज है 15 जुलाई 1959, यानी कि एक आदमी की दो जन्म तिथियां, वो भी इस देश के शिक्षा मंत्री और एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की। अब बताते चलें कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अब तक 3 शिक्षा मंत्री हो चुके हैं। इसके पूर्व उनकी पहली सरकार में स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी। उनकी डिग्री को लेकर भी देश में खूब विवाद हुए। कोई कुछ भी कहे, भारत जैसे महान देश के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता कि यहाँ के शिक्षा मंत्रियों की डिग्री ही शक के घेरे में आती जा रही हैं, और वो भी लगातार दूसरी बार। धन्यवाद।